अस्सलामुअलैकुम गाइस। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा सफ़र है जो वो है नीलम वैली की तरफ, पतलियाँ लेक की तरफ। तो पहले तो हमने ये लेक खुद भी नहीं देखी हुई कभी, तो आज कुछ नई डिस्कवरी है, तो इसलिए अभी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। मगर वहाँ पर जाने से पहले आपको हम अपने घर से जो थोड़ा खूबसूरत सुबह का नज़ारा है वो ज़रूर दिखाएँगे। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6 और ये अपनी गाड़ी, तो इस पर आज का सफ़र होगा। पेट्रोल के सीन डन हो गए जी, अब अगला सफ़र स्टार्ट होने लगा। ये हम लोग 4 लोग हैं, ये 2 मेरे कज़न हैं, बड़े भाई हैं दोनों, और ये एक किस्मत की तो आप जानते हैं बिल्कुल नहीं आएगा भाई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कहाँ पे जा रहे हैं हम? पतलियाँ जा रहे हैं, पतलियाँ लेक। तो नई लेक है, कोई देखी नहीं है कभी किसी ने भी हम चारों में से, तो आज इसको डिस्कवर करते हैं। तो साथ साथ आपको एंजॉय कराएंगे रास्ते को भी, सिनेमैटिक्स भी, टाइम लेक सब कुछ। श्यामू भाई बाहर निकलते हुए, गाइस देवलियाँ से जाता है इस पुल से पार लेसफा की तरफ रास्ता, जिसको लेसफा बाईपास कहते हैं। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है बीच में, लेकिन यहाँ से टाइम बहुत लगता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हमने नसेरी से जाने का फैसला किया। तो उसके ऊपर रख ले तू। तो ये पूरे सफर में लड़ते रहे दोनों, आगे एक इधर हो, उधर हो, इधर हो, उधर हो, इधर हो, उधर हो, यहीं में बढ़े ना थोड़े। भाई लोग हम आ गए हैं डैम पर, नसेरी डैम। अभी आपको डैम भी दिखाते हैं। लेक फिर से आ गए, ये है पतलियां, ये है लेक। तो भाई साहब ये है ब्यूटीफुल डैम, नसेरी डैम, कश्मीर का डैम। यहाँ पर कहीं पे बांसुरी भी बज रही है, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो गाइज ये है बॉर्डर लाइन, और उस पार भी कश्मीर है, इस पार भी कश्मीर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो उस तरफ को टिटवाल कहते हैं और इस तरफ को चलहाना कहते हैं। तो गाइज ये जो सामने घर आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें 70% मेरे रिलेटिव्स रहते हैं और इस जगह को टिटवाल कहते हैं। ये वाला रास्ता है जो वहाँ पे बाईपास से जो आता था, लेसफा बाईपास से, जिसका मैं आपको पहले बता रहा था बहुत खूबसूरत रास्ते मिल रहे हैं, वो यही रास्ता है, यहाँ से उतरता है। क्या मूड है, क्या मूड है, बड़ी बॉडी के साथ बड़े मूव्स। कुंडलशाही पहुंच जाए जी, कुंडलशाही मार्केट के अंदर, यहाँ भी करेंगे हम थोड़ा बहुत नाश्ता।
थोड़ा घर से भी किया था, लेकिन अभी फिर भूख लग गई है तो दोबारा नाश्ता करेंगे। और हमारे एक भाई साहब हैं जो नाश्ता करके ही नहीं आए और आधा किलो चीजें खा चुके हैं, फिर भी गाड़ी में ही, और उसके अलावा भी ये फिर भी कह रहे हैं नाश्ता करवाओ करवाओ। और बाकी इसको तो आप जानते ही हैं, कभी नाश्ता ये कभी इसका पेट तो भरता ही है बहुत ज्यादा, पेट नहीं हमारी जिप्सी, सॉरी जिमनी, बड़े भाई हमारे बड़े भाई उतरे हैं गाड़ी से भाई, क्या बात है जी। अब ये नाश्ता करेंगे और ये एक हमारे प्यारे 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 तो नहीं है बरल जी, लंडे का म्यूजिशियन है ये, लंडे का क्रेज है ये। बड़े भाई नाश्ता करवा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। जी जी बिल्कुल नाश्ता करवा रहा हूं। चार कप चाय दी, चाय नहीं होगी चाय होगी चाय, जितना जुलो छन्ने नल चाय पराठे नल चाय मगर पानी नल चाय कुलचा चाय। बड़े भाई बिल दे, बिल देने का टाइम आ गया जी, बड़े भाई ठीक है मेहरबानी। आओ जी। तो भाई लोग हम पहुंच आए हैं अठवा काम मार्केट कह सकते हैं इसको, हाँ मोची की दुकान भी है, हम लोग मुंह सिलवाना है। तो भाई लोग कैरन बाजार, कैरन बाजार में पहुंचे हैं हम, ये 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 लोगों से जा रहे हैं हम लोग दरिया के उस पार, फिर हमारा कश्मीर और यहाँ भी हमारा कश्मीर, फर्क सिर्फ इतना है वो इंडिया के पास है और ये पाकिस्तान के पास है। तो ये जिस जगह कहते हैं केरन, भाई साहब अभी अभी मालूम पड़ा है कि इन भाई ने हमें बताया है कि 2-2.5 घंटे लगते हैं चलने में, हमें खबर मिली थी कि आधा घंटा लगता है। तो हमारे हमारे बंदों की हालत कैंसल बैकअप। भाई लोग यहाँ से ऊपर जाएगा पतलियां झील का रास्ता, तो लेके जाते हैं आपको बहुत जल्द झील पर। तो प्यारे शहजादे यहाँ से जाता है पतलियां का लिंक रोड, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस तरफ से जाता है और यहाँ से आगे सारा ऑफ ट्रैक है, और यहाँ से आगे कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं। अच्छा तो भाई लोग हम आ गए अब ऑफ ट्रैक पे, पक्की सड़क रही अब पीछे, अब सफ़र शुरू होता है यहाँ से आगे पतलियां का। तो भाई यहाँ से अब झील पे जाने की तैयारियां हो रही हैं, सन ब्लॉक लग गए सारों के, ये सिर्फ वो सनबर्न से बचने के लिए मेकअप किया अपना। मैं रहता हूँ, मैं भी करूँगा अभी थोड़ी देर में। To be young and in love in New York City.
know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City, and out into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. इसलिए जा सके क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ये रास्ते में आ गया है और रास्ता अब बंद हो चुका है, तो अब यहाँ से आगे पैदल ट्रैक शुरू हो गया, तो अब हमारी होगी हाइकिंग स्टार्ट। सब लोग तैयार हैं, सन ब्लॉक शॉट लगा के, स्वेटर वगैरह लगा के रेडी हैं, बालों की हालत भी बहुत खराब है। चलो तो याद अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। ट्रैक वो सामने ऊपर है वहाँ पर, तो अभी हम यहाँ नीचे आए हैं थोड़ा खाना खा के, अपने बर्तन यहीं पे छोड़ के जाएंगे। लड़के भी थोड़े थक चुके हैं, तकरीबन 45 मिनट हो गए चलते हुए हमें, और ये हमारे फराज भाई जो कि खाना गर्म कर रहे हैं इस टाइम। तो अच्छी खासी हाइट को चढ़ने के बाद अभी भी पूरी नहीं हुई, काफ़ी है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो हमें लगता है कि ये जो छोटे से रिजेस हैं यहाँ पर, ये आपको पॉइंट कर देता हूँ, ये ठीक है यहाँ, इसके पीछे हमें लग रहा है कि झील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का तेज़ हो गया है, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ रोड जा रही है, तो इसके पीछे भी हो सकता है, कन्फ्यूज है अभी फिलहाल, लेकिन जो भी है यहाँ तक भी जो देखा है बहुत खूबसूरत है, और इंशाल्लाह हम झील ढूंढ के रहेंगे। तो ये हमें भाई मिले, इन्होंने हमें सही रास्ता बताया, और मैं आपको बताता हूँ सही रास्ता क्या है। ये था गलत ट्रैक, और अब ये है सही ट्रैक, यहाँ से जाएंगे हम आगे। शुक्र है भाई मिल गए, वरना तो बहुत खुवारी हो जाती। एक्चुअली गैस हमने भी गलत लगाया नहीं था, यहाँ पर भी ऊपर झील है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरफ बड़ी झील है और वहाँ पर छोटी झील है, तो फिर हमने बड़ी झील की तरफ जाने का फैसला किया, तो बाकी अब आ रहे हैं। फाइनली यार काफ़ी सारा रास्ता तय करने के बाद पता चला है कि वो इसके पीछे है झील, यहाँ पीछे अभी भी बहुत है भाई। जहाँ पे फराज भाई और सदाम भाई हैं वहाँ से अभी हम चल के यहाँ तक आ गए, तो उसके बाद ये सामने इसके पीछे जाना है, और अंधेरा भी हो रहा है यार, 5:30 हो रहे हैं, रोशनी भी कम हो रही है। ये थोड़ा सा रह गया यार, ये इसके पीछे झील भाई फाइनली यार देखो, ओ ओ भाई We did it. भाई मैं सच कह रहा हूँ, यह आना आसान नहीं है। जा गई मदन।
कि जब भी आएँ 4x4 गाड़ी ज़रूर लें और पहले ज़रूर पता करें कि यहाँ पे रोड नीचे तक आती है। रोड बनी हुई है लेकिन यहाँ पे ग्लेशियर जब आते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और हमें 3 घंटे चलना पड़ा और ये आसान नहीं था, आसान नहीं था, मैं कह रहा हूँ आप आसान नहीं था। हमारे साथ आए हैं चौधरी साहब जिन्होंने हमें सही गाइड किया और हम तभी जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। एक और बात, अगस्त का महीना ग्लेशियर ने रोड बंद की हुई है, देख ले अगर नहीं खुली रोड मत आना, धरती भी नहीं है यहाँ पे। और ये रास्ते बहुत खराब है, ये कैमरे में फिर शायद थोड़े आपको ठीक लग रहे हैं लेकिन ये बहुत स्टीप है यार, बहुत स्टीप है। आओ जरूर आओ, बहुत खूबसूरत जगह है इतना मैं कहता हूँ। लेकिन यार अगर आपकी गाड़ी यहाँ नीचे रोड तक आती है यहाँ तक, तो फिर ज़रूर आओ, लिहाजा आओ जब रास्ते मुकम्मल खुले हो तब आओ। भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि मेरा आईफोन बंद हो चुका है और सैमसंग की स्पेस ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको ये धुंध नज़र आ रही होगी कैमरे में, मैं कज़न का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो बारिश लग गई है यार यहाँ पे, अब हम किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस पहुँचे, अपने गाड़ी तक पहुँचे किसी तरह हैवी बारिश लगने से पहले। तो वो किसी जहान से हम वापस आए, तो मज़ा बहुत आया यार। वो थकन सारी जब हमने झील देखी तो थकन सारी की सारी ख़त्म हो गई, बहुत इंजॉय किया। fulzalalat.com टोटल बहुत जलील हुए हैं, बहुत ज्यादा जलील हुए हैं, इतने जलील हुए हैं कि हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में, इतनी जलालत हुई है हमारी। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, हम कहते हैं सब आए देखें, बड़ी खूबसूरत है। तो आप आए एक दिन, मैं आप आराम सुकून से वापस जा सकते हैं। फाइनली हम चारों खैरियत से घर पहुंच आए हैं और मेरे जो साथ तीन थे वो तीनों अब रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। और मैं झील के बाद ज़्यादा क्लिप्स वगैरह या शॉर्ट्स नहीं बना पाया क्योंकि झील पे जब मैं पहुंचा तो मेरा फ़ोन 11% था और 11% पे हमने कुछ तस्वीरें शूट की एक दूसरे की और उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बनाए और फ़ोन डेड हो गया क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी लो था जिसकी वजह से बैटरी जल्दी गिरी और ख़त्म हो गया वो। तो सफ़र जो हमारा था वो तो तकरीबन एक ही दिन का था क्योंकि हमें जिस तरह गाइड किया गया था उसके लिहाज से तो वो एक ही दिन का बनता था। और बैड लक ये था कि बीच में ग्लेशियर्स आ गए थे जिसकी वजह से रोड बंद हो गया और हमें तकरीबन 3.25 घंटे पैदल चलना पड़ा। गाड़ी जब गई तो गाड़ी 2 घंटे गाड़ी पे लगे और उसके बाद 3.25 घंटे हमें पैदल लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेक के अलावा भी जो वहाँ पर वादियाँ हैं, मेडोज़ हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आप ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आप मुजफ़्फ़राबाद से जा रहे हैं फिर भी 2 दिन का ट्रिप लाजमी करें और पहला आप जो अपना स्टे है वो आई थिंक लवात या केरन किसी भी जगह पे कर लें और फिर वहाँ से आगे आप पतलियाँ के लिए निकलें और वो भी सुबह सवेरे। अच्छा रहा सफ़र यार, लेकिन जब वापसी की हमने तो वापसी के हालात बहुत ख़राब हो गए। हम जब वहाँ से जो स्टीप क्लिफ था हम उतरने लगे उसको तो शुरू में ही हमें इतनी शदीद किस्म की बारिश का सामना करना पड़ा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हम तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ पर बहुत ही ठंडी बारिश और ओलों में भीगते रहे भीगते रहे भीगते रहे और बहुत मुश्किल से हमें वहाँ पर एक घर मिला जिसमें हम गए और उन्होंने हमें जगह दी और हमें आग शाग जला के दी और हम तकरीबन 2-2.5 घंटे आग के आगे बैठे रहे। फिर हम थोड़े अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आए, उसके बाद हमने वहाँ पर खाना भी खाया, उन लोगों ने हमें खाना दिया। फिर हम रात को आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था जिसकी वजह से हमें वहीं रुकना पड़ा। तो उन लोगों ने हमें रिहाइश दी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ एक बात लाजमी, आपके पास जीप होनी चाहिए 4x4। अगर जीप नहीं है तो आपको वहाँ पर जीप्स मिल जाएंगी, आपको वो जीप रेंट पे बुक करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास अपनी जीप थी तो मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ 4x4 होनी चाहिए क्योंकि आगे रास्ता ऐसा ही है कि वहाँ पर सिर्फ जीप जाती है। तो इन्जॉय करें, जाएँ, अपने लिए बहुत खूबसूरत है, ज़रूर जाएँ। और उससे पहले जो वादियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।
हर मुख बरतल जा गई मदनो ईद पर हम ती ला गई।